ओके, मैं आप सबसे ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आपके घर में कोई बल्ब फ्यूज होता है या फिर कोई टैप लीक कर रहा होता है, तो आप ये छोटी छोटी चीजों के लिए प्रोफेशनल को नहीं बुलाते और खुद करेक्ट कर सकते हो, बट क्या आप खुद पूरी पाइपलाइन डाल सकते हो या पूरी इलेक्ट्रिकल फिटिंग कर सकते हो? नहीं। सिमिलरली, अगर आप किसी बच्चे को मेरे पास लेकर आते हो और बच्चा किसी तरह के रेड फ्लैग शो कर रहा है, किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के ट्रेट शो कर रहा है या फिर साइन एंड सिम्टम शो कर रहा है, तो उसको घरेलू नुस्खों से आप कवर नहीं करा सकते हो। घरेलू नुस्खों से या उसको एक्टिविटीज में घर पे इंटरेक्टिव एनवायरमेंट करके आप उसके बिहेवियर में या पेरेंटिंग स्टाइल में अपने थोड़ा बदलाव ला सकते हो, पर उसे डिले से नहीं निकाल सकते हो या डिले से ज्यादा गैप जो होता है, डिले का गैप, उसे रिड्यूस आसानी से नहीं कर सकते हो। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बीमार पड़ते हैं और हमें दवाई की जरूरत होती है, सिमिलरली डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अगर आने लगे या डेवलपमेंटल किसी तरह का डिले दिखने लगे, तो उसके लिए डेवलपमेंटल थेरेपी ही उसकी दवाई होती है। यही डिले अगर ज्यादा दिन तक रह जाए या फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर्स तक रह जाए, तो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो प्लीज आप ये सोचकर कि मैं अपने बच्चे पे अब पूरा टाइम दूंगी या दूंगा जो मैंने पहले नहीं दिया था, तो मैं इसको ठीक कर देंगे, थेरेपी पे जाने की जरूरत नहीं है, ये सोच के बच्चे का और अपना, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बच्चे का टाइम वेस्ट ना करें। बाकी तो आपकी मर्जी है। ओके,